हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ, जब कोई आपके घर में कोई सब्जी नहीं हो तो आप इस सब्जी को बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है, पराठों के साथ सर्व कीजिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, थोड़ा सा तेल ज़्यादा लिया है। इसमें मैं जीरा डाल दूँगी, तो इसमें आप तेल ज़्यादा ही लें। थोड़ा सा इसमें हींग डाल देंगे, हींग से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये बेसिकली हम बेसन की सब्जी बना रहे हैं, बेसन और प्याज की, जो कि महाराष्ट्र में भी बहुत फेमस है। ये सब्जी बहुत टेस्टी होती है और आप इसे फटाफट से बना सकते हैं। तो जैसे ही जीरा और जो हींग है वो थोड़ा सा अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद इसके अंदर मैं यहाँ पे 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ। इसी पॉइंट पे हमें कसूरी मेथी डालना है, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। साथ ही में मैंने यहाँ पर 3-4 कली लहसुन की ले ली थी, और एक ये बिग साइज़ का प्याज है, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे। और जो लहसुन की कली थी उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो भी इसमें डाल देंगे। तो बस इस सब्जी के अंदर ओनली प्याज ही जाता है और बेसन जाएगा, और ये बहुत ही अच्छी सब्जी बनके रेडी होती है। इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल देंगे 1/4 टीस्पून के करीब। यहाँ पे मैं 1 चम्मच ही इसके अंदर धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और इन सब मसालों को अच्छे से एक बार मिला लेंगे। और इस सब्जी को आप पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं साइड डिश के रूप में। अब यहाँ पे मैं 1 कप मैंने बेसन लिया है, तो वो मैं इसमें डाल दूंगी। और इसी में हम जो पानी है, पानी भी मैंने 1 कप लिया है, तो पानी अभी हम थोड़ा रुक के डालेंगे। तो इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया, क्योंकि मैं नमक डालना भूल गई थी। और एक बार अच्छे से पहले बेसन को प्याज और मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी जो है उसके छींटे डालेंगे। देख रहे हैं आप, जैसे मैं छींटे डालती जा रही हूँ और बेसन को अच्छे से मिलाती जा रही हूँ, ऐसे ही आपको ये वाली प्रोसेस फॉलो करनी है कि आप एक बार छींटे डालते जाएं और बेसन और सारे मिक्सचर को अच्छे से मिलाते जाएं। तो तेल इसमें ज़्यादा इसलिए जाता है क्योंकि तेल ज़्यादा लेंगे तभी इसमें बेसन की जो ये सब्जी है इसमें फ्लेवर अच्छा आएगा, नहीं तो ये सूखी सूखी सी बनेगी, भुरभुरी सी बनेगी, वो टेस्ट में इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो हम पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं बेसन जो है वो अच्छे से बाइंड भी हो रहा है। और इसे आप अच्छे से मिलाते जाएं, क्योंकि बेसन जो है वो नीचे लगने के भी इसके चांसेस होते हैं। तो इसे ये वाली प्रोसेस हमें कम से कम 4-5 मिनट तक करनी होगी, जब तक पानी और बेसन जो है अच्छे से मिल नहीं जाते। इसमें मैंने हल्का सा ऑयल डाला था, क्योंकि मुझे ऑयल थोड़ा कम लगा था इसलिए। तो इसमें मैं पानी डाल रही हूँ और इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिलाती जा रही हूँ, ताकि बेसन में बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे और एक भी इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए। अगर गुठली पड़ जाएगी तो वो इतना टेस्टी नहीं रहेगा। तो सारा पानी अभी मैंने डाल दिया है, और बेसन और पानी और सब सब चीज़ें जो हैं वो अच्छे से भी मिल चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मसाले बहुत ही कम लगे हैं, इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत कम लगे हैं, फटाफट से सब्जी बन के रेडी हो जाती है। अब सारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है, पानी भी इसमें हमने अच्छे से डाल दिया है। तो आपको तब तक डालना है जब तक ये बेसन और प्याज वगैरह जो है वो एक मतलब कि ये मिल नहीं जाते अच्छे से। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा मिक्सचर अभी अच्छे से मिल चुका है, इस कंसिस्टेंसी में हमें इसे लाना होता है। तो जो स्पून में बेसन लग जाता है उसे भी आप निकाल दीजिए। इसके बाद हमें इसे थोड़ी देर ढक के पकाना है, कम से कम 5 से 10 मिनट इसे ढक के पकाना है, तभी बेसन जो है वो अच्छे से कुक होगा। थोड़ा सा तो ये हमने जैसे पानी डालते जा रहे हैं उससे ही कुक होता जा रहा है, और जो आधा बेसन है वो हम इसे ढक के कुक करेंगे, तो इससे ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो इसमें हरा धनिया डाल के सर्व कीजिए।
तो ये बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आपके घर में कोई सब्जी नहीं हो, और इस लॉकडाउन के पीरियड में तो सब्जी भी वैसे भी बहुत कम होती है, तो ये सब्जी आप ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब्जी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।